So hello and welcome back, guys. A very good morning to you. This good morning is from Manali. So Manali यार और apple नहीं खाया ऐसा तो हो नहीं सकता. तो green apple और red apple दोनों ही हम लोग खरीदे थे कल 50 rupees market से. 2 kilo लिए थे तो equally bag में distribute कर लिए, रख दिए. अगर आगे का रास्ता में कुछ नहीं भी मिला तो इससे काम चलेगा. और मेरा apple तो अभिनव की t-shirt से भी match कर रहा है. Green apple. And I'm having it. So बस apple खाते हैं. बाहर में थोड़ा अंधेरा है और नीचे का गेट खुला नहीं है, तो नीचे का गेट खुलने के बाद बाइक्स पे सारा सामान लोड कर देंगे और फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी. और बंगाल साइड में आज है विश्वकर्मा पूजा, तो अपने वहाँ पे भी बाइक गाड़ी जो भी होता है सब धूमधाम से साफ सफाई करके पूजा करते हैं. टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 6 बजे. तो यहाँ पे गार्डन से एक फ्लावर लिया है, तो यही फ्लावर एटलीस्ट बाइक को ऑफर कर सकता है एज अ रिस्पेक्ट, एज अ पूजा. इससे ज़्यादा तो अभी कुछ पॉसिबल नहीं है, तो चलिए इसको लगा देते हैं. सो यही है वो रोज़ फ्लावर जो मैंने बाइक पे लगा दिया है एज अ विश्वकर्मा पूजा ऑफरिंग, बिकॉज यहाँ पे माला वगैरह तो मिलेगा नहीं, बट सुपर लग रहा है एकदम रॉकिंग. राइड स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव. और विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी विश्वकर्मा पूजा. सो मनाली से निकल के सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे अटल टनल, फिर कोकसर, ग्रम्फू, छत्रु होके चंद्रताल, और फिर चंद्रताल से वापस आके बटल होके हम लोग निकलेंगे. बट जितना इजीली मैं ये जगह का नाम बता दिया उतना इजी ये होगा नहीं, बिकॉज रास्ता बहुत ख़राब है, पूरा ऑफ रोडिंग है और काफ़ी टाइम लगेगा. और ये रोज़ फ्लावर जो लग रहा है यार, सुपर्ब लग रहा है. जस्ट अगर आपको अच्छा लगे ये रोज़ फ्लावर का सेटिंग, कमेंट करना ज़रूर. सो गाइस यहाँ से ही बारिश चालू हो गया है. सो देखो रेन गियर वगैरह सब कुछ पहन लिए है और टैंक बैग को भी कवर कर लिया है. और मैं गोप्रो के ऊपर एक पन्नी डाल दिया हूँ और साइड से सेलो टेप लगा दिया हूँ. सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली आ रहा होगा, बिकॉज बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा कभी कभी हेजी हो सकता है, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना प्लीज़. गाइस आ चुके हम लोग पलचन, और ये है वेरी फेमस पलचन ब्रिज. लास्ट टाइम भी मैं यहाँ से गुजर रहा था लद्दाख के लिए, तो काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह मैं यहाँ पे लिया था, तो एकदम मेमोरीज ताज़ा हो गया. और दूर वहाँ पे देखो लंबे लंबे बड़े बड़े माउंटेन्स और पूरा फॉग्ड होके रखा है यहाँ पे, सुपर लग रहा है यार एकदम. जस्ट व्यू देखो यार, उफ टू गुड. सो लास्ट टाइम मेरे को याद है गाइस कि अटल टनल से जब मैं क्रॉस कर रहा था तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली ऑन किया था, बट कुछ एक कारण के लिए मेरा वो वीडियो करप्ट हो गया था. सो दैट टाइम आई वॉज लाइक वेरी डीमोरलाइज, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था. बट इस बार जस्ट भगवान को प्रार्थना करते ऐसा कुछ डेटा लॉस ना हो और आपको भी सारा चीज़ मैं दिखा पाऊँ. सो गाइज फाइनली प्रेजेंटिंग अटल टनल. एक ड्रीम होता है राइडर्स का यहाँ पे आना, और मैं भी ये ड्रीम लिव कर रहा हूँ अभी. कोलकाता कौन जा रहा है? टालीगंज अपनी कोलकाता थे क्या? अच्छा ताई मानिकतला. अच्छा अच्छा नॉर्थ वो खाली बाबा था क्या हमारे? अच्छा अपनी खाने काजे काज करी हम. अच्छा अच्छा देखे भला लगला. सो अटल टनल अभी पहुंचे हैं, और अटल टनल के पास मेरे को एक भैया मिल गए हैं. भैया भी कोलकाता से हैं, तो बहुत देर बंगाली में बात हो रहा था और विश्वकर्मा पूजा लेके बहुत सारा बात हो रहा था, तो अच्छा लगा कोलकाता का कोई एक मिलके, बहुत अच्छा लगा इसी रेव का. मुझे भी खुशी हुआ भैया से मिलके. भैया ने बोले मैं भी कोलकाता से हूँ, बोले ओके भैया. सो गाइस प्रेजेंटिंग टू यू अटल टनल रोहतांग साउथ पोर्टल. What a feeling यार, what a feeling to travel through this tunnel. Proud feel होता है. So ride continue करते हैं लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, और SG Vlogs के style में हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ. So अभी हम लोग अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से निकल चुके हैं, और रास्ता यहाँ पे डाइवर्ट करता है. एक साइड जाता है लेफ्ट की तरफ टू ले, और राइट के साइड जाता है टू स्पीति. तो लास्ट ईयर तो ले हो गया है, इस बार हम लोग यहाँ से जाएंगे स्पीति, तो हम लोग राइट का रास्ता लिए जो कि यहाँ पे. और यहाँ से हसीन नज़ारे चालू हो चुका है. आप जस्ट देख सकते हो यहाँ पे कितना मस्त एक व्यू मिल रहा है आपको, बिकॉज साउथ पोर्टल के उस साइड में
पूरा बारिश हो रहा था और पूरा ओवरकास्ट वेदर था। तो यहाँ से मतलब जनरली बोलते हैं कि नॉर्थ पोर्टल अटल टनल से निकलने के बाद इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एक्चुअली में डिफरेंट वर्ल्ड है और उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और देखो भाई साहब, अटल टनल से राइट लेने के बाद व्यू ही व्यू चालू। सो अभी से व्लॉग में आपको सुपर सुपर व्यू दिखेगा, 4-5 दिन तक तो एटलीस्ट सुपर व्यूज दिखेंगे। और एक राइडर के लिए इससे बेहतर सीनरीज और क्या हो सकता है, वो भी खुद के बाइक पे कोलकाता से लेके स्पीति। लाइक डिफरेंट इमोशन है यार, डिफरेंट, बट आपने समझ लेना यार जज्बात, इमोशन को समझ लेना। सो गाइस, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है कोकसर पे, जहाँ पे आपको आपका नाम गाड़ी नंबर वगैरह एंट्री करना पड़ेगा। और यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट है, वो लेना पड़ेगा स्पीति वैली के लिए। और यहाँ पे देखो फिर से बारिश चालू हो गया। एक्चुअली उस साइड में पूरा सनी था, फिर अचानक यहाँ पे क्लाउड्स आ गया। तो काउंटिंग माइल्स वाला डायलॉग फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ लवर्स ऑन बाइक वहाँ वहाँ बारिश। सो गाइज, वी हैव रीच कोकसर, कोकसर आ चुके हैं और यहाँ पे ताशी दलेक ढाबा में आए हैं। एक तो मैगी बोले, पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे अभी, बिकॉज इस ट्रिप में अभी तक तो मैगी मैंने खाया नहीं, ये मेरा पहला मैगी होगा। तो सीन्स यहाँ के कुछ ऐसे हैं, सुपर सीन्स। और यहाँ से ही नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चालू हो गया है, आगे जाके तो कुछ भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, बट तो जहाँ पे भी लास्ट नेटवर्क वगैरह मिलेगा वहाँ पे घर में कॉल करके बता दूंगा कि इसके बाद से देयर इज नो नेटवर्क, नहीं तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा वरीड रहेंगे। गाइस आ गया है अपना ब्रेड ऑमलेट और मैगी, और ये है आंटी जी। आंटी जी ये होमस्टे, आपका होमस्टे भी है ना? हाँ जी, तो यहाँ पे होमस्टे भी अवेलेबल है और खाना वाना भी अवेलेबल है, मिलता है मतलब लगभग पूरा दिन मिलता है। ऑमलेट, ब्रेड टोस्ट, चिकन चावल, चिकन रोटी, सब कुछ अवेलेबल है। और वहाँ पे सारे आप आइटम्स देख सकते हो, वो सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। रेड बुलेट भी है, वहाँ पे मैं अपना चैनल का स्टिकर भी लगा दिया। तो अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे आना तो आ सकते हो। आंटी भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी हैं, अकोमोडेटिंग है आंटी। पानी है। गाइस प्रेजेंटिंग टू यू द स्नो कैप माउंटेन्स। क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है, सुपर। और वो जो बीच में है उसे ग्लेशियर कहते हैं, तो कितना बड़ा ग्लेशियर भी है वहाँ पे। भाई साहब क्या व्यू है यार, सुपर। चलते चलते हम लोग रोहतांग आ गए, ये है रोहतांग पास। तो रोहतांग आने का बहुत मन था लास्ट ईयर बट आ नहीं पाया, बट फाइनली दिस ईयर आई हैव मेड इट, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जय हो। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड रोहतांग पास एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,058 फीट, एंड देयर यू गो, रोहतांग पास फॉर यू। मस्त फीलिंग लग रहा है, मस्त, सुपर लग रहा है। रोहतांगला क्रॉस करना भी एक इमोशन है और अभी हम लोग ये इमोशन जी रहे हैं। एक्चुअली आज एक प्रॉब्लम हो गया था, हम लोग को लेफ्ट उतरना था और हम लोगों को लेफ्ट देखा नहीं, और हम लोग रास्ता सीधा सीधा चलते चलते रोहतांग पास पहुँच गए। तो उधर में लोगों को पूछा तो वो बोले कि ये रास्ता तो रोहतांग पास का है, मनाली जाता है, आप लोगों को फिर से वापस जाके नीचे एक लेफ्ट रास्ता है वो लेना पड़ेगा ग्रामफू बटाल और चंद्रताल के लिए। तो आप लोग भी जस्ट थोड़ा सा केयरफुली जाना यहाँ से, बिकॉज हम लोगों को तो कोई लेफ्ट देखो दिखा नहीं, अगर दिखता तो हम लोग चले जाते, बट बोले कि और 16 किलोमीटर नीचे जाओ तो आपको मिल जाएगा वो कट। तो अभी हम लोग रोहतांग से नीचे उतर रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे जो बोर्ड देखा था ना, इसके पास में ये ऐसा एक रास्ता था जो हम लोग मिस कर दिए, तो यही हम लोग को देखना था और इसी को फॉलो करना था, जो कि हम लोग आगे चले गए। तो यहाँ से लेते हैं यू टर्न। गंदा ऑफ रोडिंग चालू। तो आप लोग को ये वाला बोर्ड देखना पड़ेगा, सामने देख लीजिए, ये बोर्ड देखना पड़ेगा, एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट देर इज़ नो नेटवर्क। तो अगर आपको कॉल वगैरह लगाना भी है तो यहाँ से आप लगा लेना।
सो अभी हम लोग ग्राम्फू में है और यहाँ पे इसके बाद नेटवर्क नहीं है, बट हम लोग का तो अभी से ही नेटवर्क नहीं है। तो समर भैया है यहाँ पे, BRO में काम करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो इनसे ही हम लोग अपना उनका फ़ोन लिया और घर में एक बार बता दिया, तो घर वाले भी शांत, हम लोग भी शांत। तो थैंक यू समर भैया। सो भैया यहाँ से ऑफ रोडिंग चालू और यहाँ से लेके चंद्रताल बटाल पूरा ऑफ रोडिंग है। एक दो यूट्यूबर से मैं बात कर रहा था जो अब भी रिसेंटली 2-3 दिन आ गई इसी रूट में आए हैं, तो बोले कि भाई गेट रेडी फॉर सम गुड ऑफ रोडिंग। सो तैयार हैं हम लोग ऑफ रोडिंग के लिए और ये तो जस्ट शुरुआत है ऑफ रोडिंग का। इसके बाद सामने और भी चैलेंजेस है, चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। यहाँ का रास्ता भाई पूरा टूटा हुआ है, पूरा मतलब रास्ते के नाम में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं देख सक रहे हो, पूरा रॉक्स एंड बोल्डर्स है। देखो ऑफ रोडिंग है दैट्स फाइन, बट ऑफ रोडिंग के बाद आपको ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिल रहा है, दैट्स टू मच टू आस्क फॉर। बहुत सुंदर एक व्यू सामने देख रहे हैं, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो एक जगह हम लोग रेस्ट लिए हैं, अभिनव है मेरे साथ और मेरा होममेड कॉफ़ी चल रहा है, फ्लास्क से गर्म पानी और सैशे नेस्कैफे का लाया था, लेकिन गर्मी बहुत लग रहा है, गर्मी बहुत है और विंटर लाइनर भी पहन लिया, रेन कोट भी पहना हुआ है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आसपास के नज़ारे तो देखो यार, मतलब सुपर्ब नज़ारे, सुपर्ब मज़ा आ रहा है। और उस नज़ारे के साथ खुद का बना हुआ कॉफ़ी, बढ़िया। तो ये रहा अपना पहला वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा था बट ठीक ठाक था, गहरा भी था। चलो भैया ऐसे ऐसे करके ही सारे वाटर क्रॉसिंग क्रॉस हो जाए। ये एक और वाटर क्रॉसिंग है बट ये थोड़ा सा इंक्लाइन वाटर क्रॉसिंग है। ओप्स और सामने ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये रिवर का नाम है चंद्रा रिवर, चंद्रताल लेक से इस रिवर का ओरिजिनेशन होता है। और ये वैली देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, हम लोग एकदम ग्राउंड लेवल पे हैं, एकदम सी लेवल पे, और चारों ओर देखो चारों ओर पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत मस्त लग रहा है। तो गाइज ये सीनरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू राइड टू स्पीति एंड व्लॉग एट द सेम टाइम। सो राइड करना और व्लॉग करना एट द सेम टाइम थोड़ा सा टफ हो जाता है गाइज। सो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओह गॉड वाटर क्रॉसिंग टफ था, लद्दाख इज ईजी गाइज, लद्दाख इज ईजी, स्पीति ईजी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो स्पीति ईजी है तो स्पीति एकदम ईजी नहीं है। सो यहाँ पे एक मस्त सा ब्रिज है जहाँ आप देख सकते हो फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ चल रहा है। सो गाइज वेलकम टू छत्रु, ग्राम्फू से हम लोग छत्रु आ चुके हैं और यहाँ पे ऑफ रोडिंग का सीवियरिटी और ज़्यादा होगा, तो काफ़ी इंटेंस होने वाला है राइड अभी, और एकदम सेफली राइड करेंगे, आस्ते आस्ते करेंगे, टाइम का कोई टेंशन नहीं, आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ नहीं है। ये देख रहे हो गाइज ये जगह पूरा पत्थर से भरा हुआ है, पूरा जगह पत्थर है और हम लोग सिर्फ पत्थर के ऊपर से ही जा रहे हैं।
सो गाइस अभी हो गया था एक सियापा, वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मड था तो मैं डॉच करते हुए पूरा बाइक लेके गिर गया था। अभिनव पीछे था, अभिनव साइड से निकल गया एटलीस्ट देख के, बट बाकी जो गाड़ी वाले थे वो आए फिर मेरे को बाइक उठाए और बाइक को थोड़ा धक्का दिए और साइड में आए। बाइक में कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेरा हो गया है थोड़ा सा, शायद वो देखना पड़ेगा। लेग गार्ड है, ये लेग गार्ड थोड़ा टेढ़ा हो गया है वो पता चल रहा है, और बाकी तो देखो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ज़्यादा देखते नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है। जितना आगे जा रहे हो उतना ऑफ रोडिंग लेवल बढ़ रहा है, वहाँ पे तो तभी भी छोटे छोटे पत्थर थे, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर चालू हो गए। कितने बड़े बड़े पत्थर है यार, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव। अभिनव का भी क्रॉस हो गया। सो आई थिंक ये बटाल आ चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी रुके हुए है और लग रहा है कि बहुत सारा ढाबा भी है, तो भगवान करे ये बटाल ही हो बिकॉज हालत एकदम ख़राब हो गया गाइस, एकदम मतलब पानी निकल गया। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं चाचा चाची ढाबा में, चंद्रा ढाबा बटाल में, यहाँ पे तो चाचा चाची काफ़ी फेमस है। एक बार बहुत सारे लोग फंस गए थे कहीं ना कहीं, तो इन लोग बहुत दिन से उन लोगों को सेवा कर रहे थे, खाना वाना फ्री में खिला रहे थे, तब से चाचा चाची ढाबा बहुत फेमस हो गया और इधर का खाना भी ठीक ठाक अच्छा ही होता है। सो गाइज हम लोग बटाल से निकल चुके हैं और सामने ही 5 किलोमीटर जाने के बाद एक डाइवर्जन आएगा, अगर चंद्रताल लेक जाना हो तो आपको लेफ्ट लेना है और अगर काजा की तरफ जाना है तो स्ट्रेट लेना है। सो हम लोग को चंद्रताल में स्टे तो फॉर श्योर करना नहीं था, बट अगर चंद्रताल जाके ऊपर फिर वापस आए तो शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। सो उसी लिए हम लोग डिसाइड किए कि चंद्रताल को थोड़ा सा डंप करते हैं इस बार के लिए एटलीस्ट, बिकॉज ऊपर टेम्परेचर भी बहुत फ्रीजिंग कोल्ड है। सो यहाँ से रास्ता कटता है मनाली काजा चंद्रताल का, डिपेंड करता है आपको कहाँ जाना है वो आप डिसाइड कर लो। ये रास्ता जाता है चंद्रताल, बैक जाता है काजा और हम लोग जहाँ से आए वो जाता है मनाली। सो गाइस फाइनली वो जो लास्ट आपको दिखाया एक टर्न था, वहाँ से हम लोग राइट साइड लेके काजा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले पड़ेगा कुंजुम पास, उसके बाद आएगा लोजर और उसके बाद हम लोग काजा पहुँचेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:30, तो इट्स अ गुड टाइम और अपना काफ़ी अच्छा कवरेज भी हो गया। सो आई थिंक ठीक ठाक से आज शाम के टाइम तक काजा पहुंच जाएंगे हम लोग। और यहाँ के जो रास्ते हैं ना भाई बहुत पतले पतले हैं, अनलाइक लद्दाख, लद्दाख में जो रास्ता है वो पतला भी है और मतलब ठीक ठाक वाला भी है, बट यहाँ पे जो रास्ता है पूरा ही सब पतला वाला है, तो यू हैव टू बी लाइक रियली रियली केयरफुल। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड कुंजुम पास और यही है कुंजुम माता की मंदिर, जय हो कुंजुम माता की जय। और यहाँ पे एक परिक्रमा लगा लेते हैं, तो बाइक लेके ही चलते हैं और सामने से एक राउंड लगा के आते हैं। सो गाइज वेलकम टू कुंजुम पास एंड ये है पीछे में कुंजुम माता की मंदिर, एक परिक्रमा लगाने वाले थे बट वहाँ पे कुछ एक काम हो रहा है तो पूरा परिक्रमा नहीं लगा पाए बाइक से, तो इधर से ही हम लोग वापस चले जाएंगे। बट यहाँ का सीन्स देखो यार, मतलब सुपर सीन्स, मतलब हर तरफ फ्लैग और फ्लैग लगा हुआ है और हर तरफ इतने बड़े बड़े माउंटेन्स है, यहाँ पे तो स्नो पीक माउंटेन्स है।
सुपर लग रहा है, सुपर। तो हम लोग कुंजम माता मंदिर दर्शन कर लिए, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे टूवर्ड्स काजा। तो यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट काजा के लिए। सो काजा है यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर्स। अभी टाइम हो रहा है 3:15, तो लगभग 6-6:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। बट जो भी बोलो, एकदम मस्त था, मस्त मंदिर था। और यहाँ से लोजर का डिस्टेंस है 19 किलोमीटर्स। तो एक जन से बात कर रहे थे तो बोला कि लोजर तक ऐसा पैच है, उसके बाद लोजर के बाद अच्छा पैच है, तो लोजर के बाद आएगा किया तो, और उसके बाद आएगा काजा। तो जस्ट भगवान से प्रे कर रहे कि जल्दी वो लोजर का रास्ता आए, बिकॉज इतना ऊबर खाबर और इतना ऑफ रोडिंग करके अभी सच में थक गए हैं। सुबह से लेके ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, अभी शाम का 3 बज गया। मतलब इतना सुंदर व्यू कैसे हो सकता है यार, क्या वैली से जा रहे हैं हम लोग, देखो सुपर्ब सुपर्ब। और स्काई इतना ज़्यादा ब्लू है, लगता है जैसे पेंट किया हुआ है, एशियन पेंट। इतना देर पूरा बंजर था, बट यहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे पेड़ है। रीजन चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली उसका वेजिटेशन भी चेंज हो रहा है। अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सपना है या हकीकत। मतलब आप देख रहे हो सामने क्या है, पूरा एकदम टारमैक रोड। मतलब कब से हम लोग ऑफरोडिंग कर रहे हैं अभिनव? पिछले छः घंटे से बॉस, ऑफरोडिंग करने के बाद अगर आपको ऐसा रोड का दर्शन हुआ तो यही है आपका सब कुछ। ओ माय गॉड गाइस, माय शोल्डर इज फीलिंग सो रिलैक्स्ड। हर हर महादेव, थैंक यू गॉड फॉर दिस टारमैक रोड, थैंक यू माय गॉड। मैन, ये जो फीलिंग है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। मतलब 5-6 घंटा ऑफरोडिंग के बाद ये देखो टारमैक चकाचक रोड। मतलब शायद ये एरिया लोसर के आसपास ही है, क्योंकि एक भैया से बात हुआ था तो भैया बोले लोसर नहीं, लोसर यहाँ से और 7 किलोमीटर है एज पर द माइलस्टोन। तो यहाँ से ही अच्छा रास्ता मिल गया, आई होप इसके बाद और गंदा रास्ता ना हो कहीं भी अपना स्पीति सर्किट में। बाइक को भी अभी आराम मिल रहा है, चक्के को भी आराम मिल रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे बम को भी आराम मिल रहा है। और लोजर आगे ही है, वहाँ पे रुकेंगे, कुछ चाय वगैरह कुछ पियेंगे, भूख भी काफ़ी लग रहा है और बहुत टायर्ड लग रहा है, नीड सम टी। सो गाइज वेलकम टू स्पीति वैली। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा एक गेट है, एंट्री गेट। सो ऑफिशियली ये है अपना एंट्री टू द स्पीति वैली। तो फाइनली एंट्री हो चुका है स्पीति वैली में, अब हम लोग अभी है लोसर में, ये है यहाँ का चंद्र ढाबा। सो मेरा बाल का हालत देख रहे हो, अभी ऐसा हो गया पूरा। तो अभिनव एक बहुत अच्छा एक वर्ड यूज़ किया, ये तो बता नहीं सक रहे, बट उसका सिनोनिम है कि प्लांट्स जैसा हो गया है खेत में जो प्लांट होता है। सर के दो स्टूडेंट थे, एक झा वन, दोनों का नाम झा था। अच्छा, तो पहला था झा वन, दूसरा क्या था खुद सोच लो, वैसे इसका बाल है। Considering the off-road given over here, it is advisable that you either come in Bullet, Himalayan or any kind of adventure bike. Duke से मत आओ, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आ जा भाई, मैं हूँ। और ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई है। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा नाम क्या है? Tenzing Norway. Tenzing Norway? और भैया का नाम क्या है? भैया का नाम क्या है? Tenzing Thapa। दोनों का नाम Tenzing है। सो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मिल चुका है अपने को, बहुत इम्पोर्टेंट था और मच नीडेड था ये कॉफ़ी, तो बस इंजॉय करते हैं। सो
सो यहाँ से ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये रिवर है स्पीति रिवर, बिकॉज इसके पहले हम लोग को जो रिवर मिला था चंद्र ताल लेक तक, वो है चंद्र रिवर, और ये स्पीति वैली में है स्पीति रिवर। तो देखो कलर भी अलग है, पूरा ब्लू कलर का है, मस्त लग रहा है, और एकदम शानदार लग रहा है। सो ये पहाड़ देख रहे हो, जैसे लग रहा है सर के ऊपर ही गिर जाएगा। ओह गॉड, क्या ब्यूटी है नेचर का। सुपर यार, सुपर। जितना वैली के अंदर जा रहे उतना मतलब हैरान हो जा रहे। स्पीति इज लाइक रियली अ ब्यूटी यार, रियली अ ब्यूटी। लोग सब लद्दाख लद्दाख करते हैं, लद्दाख भी अच्छा है देखो, बुरा नहीं है, बट स्पीति इज ऑल्सो लाइक सो ब्यूटिफुल।